Hello everyone, I am your educator Anjali Sharma and I welcome you all to Arpita Sharma Classes. Aap sabhi ka Arpita Sharma Classes mein swagat hai. In this series, we'll be covering super important topics in Indian economy for UPSC CSE prelims plus mains. And our today's lecture will be on financial markets, commercial banks, NBFCs, RRBs, IRDA, which is regarding insurance sector, cooperative banks. And before starting the lecture, a small announcement, Arpita ma'am is taking live classes on Unacademy Plus. You can use code SHARMA20 to get 10% discount. And to get all the PDF and notifications of the class notes, join our Telegram channel, Simplifying UPSC with Ease. So, now let's begin the class. So, first of all, we'll be studying what are financial markets. Financial markets ke andar bhi hum padhenge money market or capital market. Theek hai, money market ko कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के हिसाब से यहाँ पे डिफाइन किया गया है, जैसे कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेड बिल, ये जो है मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। कैपिटल मार्केट फर्दर डिवाइड होती है सिक्योरिटीज मार्केट में, नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में। फिर सिक्योरिटीज मार्केट में जैसे आ गई आपकी सिक्योरिटीज मार्केट, हो गई आपकी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में आपकी आ गई इनिशियल पब्लिक ऑफर्स, बुक बिल्डिंग, प्राइवेट प्लेसमेंट्स। ठीक है, और सेकेंडरी मार्केट में जो आपके डील करने के तरीके हो गए वो स्पॉट मार्केट, फॉरवर्ड मार्केट, फिर फॉरवर्ड मार्केट में फ्यूचर या ऑप्शन, फिर देन इट इज ऑल अबाउट शेयर इन स्टॉक एक्सचेंज, सो पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन। दिस इज ऑल अबाउट डीलिंग विद स्टॉक एक्सचेंज में कैसे करते हैं ट्रेड, उसके बारे में है ये सारे आपके फॉरवर्ड मार्केट्स या स्पॉट मार्केट्स। नाउ नॉन सिक्योरिटीज मार्केट में आपके कौन कौन सी चीजें आती हैं, म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस, फिक्स्ड डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट एंड पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। तो सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये जानना कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं। फाइनेंशियल मार्केट्स एग्जिस्ट वेर एवर अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन अकर्स, एंड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस कुड बी इन द फॉर्म ऑफ क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स सच एज इनिशियल इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स बाय फर्म और बाय द परचेज एंड सेल ऑफ एग्जिस्टिंग फाइनेंशियल एसेट्स लाइक इक्विटी, शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड। तो अपेरेंटली जिस भी जगह पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो रही है वो हर जगह फाइनेंशियल मार्केट्स कहलाई जा सकती है, एंड वहां पे एक आपके फाइनेंशियल एसेट्स क्रिएट हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो आगे पढ़ते हैं मनी मार्केट क्या होता है। सो व्हाट इज मनी मार्केट? मनी मार्केट अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज यूज्ड टू डिफाइन अ मार्केट वेयर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स आर ट्रेडेड। मनी मार्केट की ये जो है फीचर है कि वहां पे सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स ट्रेड किए जाते हैं, और शॉर्ट टर्म का मतलब है एक साल तक के, 15 दिन से लेकर के एक साल तक के। दीज एसेट्स आर अ नियर सब्स्टिट्यूट फॉर मनी एंड दे एड इन द मनी एक्सचेंज कैरिड आउट इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। अब ये ध्यान देने की बात है कि मनी मार्केट में कैश में डीलिंग नहीं होती है, कि मनी मार्केट है तो कैश में डीलिंग हो, नहीं। इट सिंपली प्रोवाइड्स अ मार्केट फॉर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स सच एज बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट्स, कमर्शियल पेपर्स, ट्रेजरी बिल्स एटसेट्रा। ठीक है, और मनी मार्केट को एक और तरीके से हम कैटेगराइज कर सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में कौन कौन से आ गए? बैंकिंग सेक्टर, कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स, आरआरबीज। कमर्शियल बैंक्स के अंदर आ गए आपके पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, सब मार्केट में आ गए आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर जो सब मार्केट्स है, बैंकिंग सेक्टर के अलावा जो सब मार्केट्स है उसमें आपके इंस्ट्रूमेंट्स आ गए जो ज्यादा यूज की जाती है मनी मार्केट के अंदर, जो मेनली जिन्हें कंसिडर किया जाता है कि मनी मार्केट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं दैट आर कॉल मनी मार्केट, बिल मार्केट विच इज कमर्शियल बिल्स, ट्रेजरी बिल्स, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और कमर्शियल पेपर। और फिर अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कौन से आ गए? मनी लेंडर्स या मर्चेंट कम मनी लेंडर्स। तो अब इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। कॉल मनी क्या होती है? कॉल मनी इज अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस रीपेबल ऑन डिमांड विच विद अ मैच्योरिटी पीरियड ऑफ 1 day टू 15 days यूज्ड फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। कॉल मनी इज अ मेथड बाय विच बैंक्स बोरो फ्रॉम ईच अदर टू बी एबल टू मेंटेन द कैश रिजर्व रेशियो। अब CRR मेंटेन करने के लिए सेंट्रल बैंक कहती है हर एक बैंक को, तो एट टाइम्स जब उनके पास पैसे नहीं हो पाते तो कॉल मनी इज नॉट फॉर द जनरल पब्लिक, इट इज फॉर इंटर बैंक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन द कॉल मनी लोन्स इज नोन एज द कॉल रेट। इट इज हाईली वॉलेटाइल रेट दैट वेरीज फ्रॉम डे टू डे एंड समटाइम्स इवन फ्रॉम आर टू आर। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मॉनेटरी मनी मार्केट का। देन सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या होता है? ये एक डिपॉजिट के रिसीट होता है मनी के लिए विच इज डिपॉजिटेड विद इन द फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बैंक। द टेनोर रेंजेस फ्रॉम अ स्पैन ऑफ 7 days टू अप टू अ 1 year। हाउएवर बैंक्स जो है वो इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट फॉर ड्यूरेशंस रेंजिंग फ्रॉम 3 months, 6 months अप टू 12 months। दे
कैन बी इशू टू इंडिविजुअल्स, माइनर्स को नहीं इशू किया जा सकता, ट्रस्ट, कंपनीज, कॉर्पोरेशंस, एसोसिएशंस, फंड्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस एटसेट्रा, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ठीक है, इसको आप बेसिकली ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास आपके डिपॉजिट की रसीद है कि आपने पैसा डिपॉजिट किया है बैंक में, एंड नाउ यू हैव अ सर्टिफिकेट ऑफ दैट। ठीक है, commercial paper, it is a short term unsecured promissory note negotiable and transferable by endorsement within a and a fixed delivery maturity पीरियड। ठीक है, तो 15 दिन से लेकर के एक साल तक इसका मेच्योरिटी पीरियड होता है। इट इज सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए एक कमर्शियल पेपर है जो कि 900 रुपए का है, ठीक है, या 1000 रुपए का है, ठीक है, आई गिव इट टू द अदर पर्सन एट 900 रुपीज की, मतलब 900 रुपीज में आप अभी मुझसे ये ले जाइए, जब आप इस नोट को वापस लेके आएंगे मेरे पास तो मैं आपको 1000 रुपए वापस कर दूंगा। तो बेसिकली इसमें मैंने 1000 रुपए का जो कमर्शियल पेपर था उसे 900 में सेल करा, और बाद में जो 100 रुपीज जो है यही उसका इंटरेस्ट हुआ, कि मतलब इसका यही मतलब हुआ कि इसे हमने डिस्काउंट पे सेल किया, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू थी पार वैल्यू पे हमने रिडीम किया, कि मतलब जब हम वापस उसके मेच्योरिटी पीरियड के बाद वो कमर्शियल पेपर लेके आया तो हमने उसे वो जो पैसा दिया वो हमने उसे पार दिया, वो एट पार, विच मीन्स की जो उसकी करेक्ट रेट थी, अगर 1000 रुपए का था तो 1000 रुपए दिए, जो कि हमने अल्टीमेटली उसे 900 में पहले हमने रखवाया था कि आप हमें 900 रुपीज दे दीजिए, कमर्शियल पेपर ले लीजिए, फिर जब आप वापस हमसे पैसे लेने आएंगे कमर्शियल पेपर लेके मेच्योरिटी पीरियड के बाद, तो आप मुझसे 1000 रुपए ले लेंगे और मैं आपसे कमर्शियल पेपर ले लूंगा। दैट मीन्स सोल्ड एट डिस्काउंट एंड रिडीम्ड एट पार। सो नाउ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट इज एन इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर बोरोइंग मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फंड्स विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर मार्केटिंग एंड ट्रेडिंग फॉर सिक्योरिटीज। सो बेसिकली कैपिटल मार्केट रेफर्स टू एनी फैसिलिटीज या इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट जिसके थ्रू लॉन्ग टर्म फंड्स, चाहे डेट हो चाहे इक्विटी हो, वो रेज किए जाते हैं और इन्वेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, द सिक्योरिटी मार्केट हैज टू डिफरेंट सेगमेंट्स, नेमली प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, जो हमने पहले पढ़ लिया है। अब इनके बारे में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट का, ये कि एक तो मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म फंड्स में डील करता है, और जो कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करता है। इंस्ट्रूमेंट्स जैसे होते हैं इसके, वो हो गए आपके ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर, बिल ऑफ एक्सचेंज, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स ऐसे, और कैपिटल मार्केट्स के कौन से हो गए, डील्स इन सिक्योरिटीज लाइक शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स कौन से हो गए, कमर्शियल बैंक, एनबीएफसी, स्टेट फंड्स, जैसा कि मैंने अभी बताया। ठीक है, और कैपिटल मार्केट के जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं वो होते हैं स्टॉक ब्रोकर्स, अंडरराइटर्स, म्यूचुअल फंड्स, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऐसे। रेगुलेटरी बॉडी कौन है मनी मार्केट की, आरबीआई, और कैपिटल मार्केट की सेबी। ठीक है, मनी मार्केट के हम आगे वाले पार्ट पे पहुंच चुके हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कॉपरेटिव बैंक्स के बारे में। तो अब हमने एक बार के लिए इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ लिए इसके। ठीक है, कैपिटल मार्केट होती क्या है ये हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे कि कॉपरेटिव बैंकिंग क्या होती है। ठीक है, so now a cooperative bank is a financial entity which belongs to its members who are at the same time the owners and the customers of the bank। so cooperative bank ke case mein kya hai ki aisi financial entity jo uske members hain wahi uske owners hain aur wahi uske customers hain, ki matlab maine aapas mein 10-12 logon ke sath mil karke ki humne sath mein paise pool kiye, sath mein paise invest kiye, ki hum apna ek bank banayenge jo ki aapas mein ek dusre ko loan ke liye, ek dusre ke kharchon ke liye kaam aa jaye, ek dusre ke liye hum rahe, that kind of banking is cooperative banking। they give a short term loans to agriculture sectors and other allied activities। cooperative banks in india are registered under the state cooperative societies act। ab aisa nahi ho sakta ki maine apne friends ke sath mil kar ke cooperative bank bana liya, mujhe use register karana padega baqaida। the cooperative banks are also regulated by the reserve bank of india and governed by banking regulation act 1949 and banking laws cooperative societies act 1955। iske income tax ke bhi alag tarike ke provisions hote hain। the main goal of cooperative banks is to promote social welfare by providing concessional loans। ki ab main hamesha bank jaau to mujhe zaruri nahi hai ki loan mil jayega, ya hamesha zaruri nahi hai ki us purpose ko purpose mana jayega banks mein, lekin cooperative banking mein mere apne known members honge, mere apne log honge, so i can imagine ki mujhe easy rates pe loan mil jayega aur social welfare badh jayegi। now iska structure kya hota hai,
दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन थ्री टीयर स्ट्रक्चर. टीयर वन जो है स्टेट लेवल, उसमें आ गए आपके स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, जैसे कि जो रेगुलेट किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, स्टेट बैंक के द्वारा या नबार्ड के द्वारा. उन्हें फंड कौन करता है? आरबीआई करती है, गवर्नमेंट करती है या नबार्ड करते हैं. मनी इज देन डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पब्लिक. कंसेशनल सीआरआर एसएलआर इज एप्लीकेबल टू दीज बैंक्स ओन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड टॉप मैनेजमेंट इज इलेक्टेड बाय द मेंबर्स. तो मेंबर्स इलेक्ट करते हैं कि इसका जो जो कौन सा टॉप मैनेजमेंट होगा. ठीक है. नाउ टीयर टू कम्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसे आप सेंट्रल या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स कह सकते हैं. टीयर थ्री कम्स एट विलेज लेवल, ये प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव बैंक्स जो अपने एग्रीकल्चर या एडेड सर्विसेज को कंसेशनल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए बनाए जाते हैं विलेज लेवल पे. नाउ रीसेंट केस ऑफ पीएमसी, द केस ऑफ पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक विच इज पीएमसी बैंक, तो इसमें क्या हुआ? रिस्ट्रिक्शन इम्पोज किए आरबीआई ने ऑन विड्रॉल्स ऑफ मनी फ्रॉम पीएमसी बैंक, हाईलाइटेड द स्ट्रॉन्ग केस ऑफ मैल फंक्शनिंग इन द डुअल रेगुलेटरी सिस्टम इन अर्बन कोऑपरेटिव बैंकिंग सिस्टम. तो जब रेस्ट्रिक्शन लगाए आरबीआई ने तो पता चला कि कुछ तो है गड़बड़, कुछ तो मैल फंक्शनिंग हो रही है. इन द पी एम सी केस देर आर थ्री मेजर प्रॉब्लम, तीन मेजर प्रॉब्लम्स थी. वो क्या थी? फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज, फेलियर ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम एंड अंडर रिपोर्टिंग ऑफ एक्सपोजर्स. तो जो एक्सपोजर्स थे उन्हें रिपोर्ट नहीं किया गया, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज थी काफ़ी ज़्यादा और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो है वो फेल हो गया. पी एम सी बैंक हैज़ एक्सटेंडेड 73% ऑफ इट्स एसेट्स टू एच डी आई एल विच क्रिएटेड पैनिकी सिचुएशन टू द डिपॉजिटर्स. तो उन्होंने एक ही मतलब लगा लीजिए आप कि इन कॉमर्स इट इज सेड दैट कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट. तो हमें हमेशा कभी भी हमारे सारे पैसे एक जगह नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि अगर वो वाली जगह डूब गई तो हमारा प्लान पूरा डूब जाएगा ना. तो इट इज लाइक कि पीएमसी ने 73% ऑफ अपने एसेट्स जो थे वो सारे एच डी आई एल विच इज वन कंपनी इसी को दे रखे थे, जिसके लिए डिपॉजिटर्स के दिमाग में बहुत ही मतलब पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो गई. सिंस पीएमसी हैज डिपॉजिट्स फ्रॉम अदर स्मॉलर कोऑपरेटिव बैंक्स, द फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज विच इंक्लूड गवर्नेंस एंड ट्रांसपेरेंसी इशूज लाइकली विल हैव द मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट. तो अब पढ़ते हैं हम कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं. So what are commercial banks? These are organized under the Banking Companies Act 1956. They operate on the commercial basis and its main objective is profit. So commercial banks main objective inka hota hai profit ka, aur ye registered kaun se act ke andar hue hai? Banking Companies Act 1956. We tend to be in all sectors ranging from rural to urban. और ये जो है ये कोई concessional interest rate नहीं charge करते अपना, जो भी अगर इन्हें RBI कहता नहीं है तब तक ये कुछ भी कम rate नहीं करते, क्योंकि इनका basic objective क्या है? Profit. Commercial banks जो है वो further three categories में divide किए जा सकते हैं, public sector banks, private sector banks and foreign banks. ठीक है. अब commercial banks के जो functions होते हैं वो दो तरीके के होते हैं. ठीक है. एक होता है प्राइमरी फंक्शन, एक होता है सेकेंडरी फंक्शन. तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आता है? एक्सेप्ट करना डिपॉजिट, लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड करना और क्रेडिट कैश. नाउ एक्सेप्ट करना डिपॉजिट का क्या मतलब? जिस बेसिक फंक्शन के लिए वो कमर्शियल बैंक्स बनाई गई है वो सबसे पहला क्या है कि हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करें, कि द बैंक टेक्स डिपॉजिट्स इन द फॉर्म ऑफ current and fixed deposits. Now provides loans and advances. Another critical function of this bank is to offer loans and advances to the entrepreneurs and business people and collect interest. ठीक है. सब क्योंकि ज्यादातर जो ये banks होती हैं चलती देखो interest पे है, जो भी हमने deposit किया ये दूसरों को lend करके उसी समय उस पर जो interest कमाती है, main commercial bank profits उसी से कमाती है. For every bank it is primary source of making profits. In this process a bank retains a small number of deposits as a reserve and offer lends the remaining amount to the borrowers in demand loans, loans, overdrafts, cash credit and short run loans, etc. Now cash credit या credit cash, when a customer is provided with credit or loan, they are not provided with liquid cash. उन्हें liquid cash नहीं मिलता है. First a bank account is opened for the customer and then the money is transferred to the account. Thus process allows a bank to create money. तो क्रेडिट कैश जो हमने, अगर मैंने बोला कि अच्छा मैं किसी बैंक में गई, ठीक है, जिसमें मेरा खाता वाता नहीं है, तो मैं वहां पे जाके गई और मैंने कहा कि मेरे को तो 1 लाख का लोन चाहिए, तो उन्होंने कहा 1 लाख का लोन थोड़ी, वो मुझे हाथ में निकाल के कैश दे देंगे. तो अगर मेरा अकाउंट नहीं है उसमें तो पहले मेरा अकाउंट खुलवाएंगे, फिर जरूरी मेजर्स लेंगे, फिर मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर होंगे सारी प्रोसीडिंग्स के बाद. नाउ सेकेंडरी फंक्शंस क्या होते हैं उसके? सेकेंडरी फंक्शंस के अंदर आ गए आपके डिस्काउंटिंग, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, लॉकर फैसिलिटीज, पेइंग एंड गैदरिंग द क्रेडिट. नाउ डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब देखो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक इंस्ट्रूमेंट है मनी मार्केट का, ये हमें पता है. तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड कैसे होगा? जब उसे कमर्शियल बैंक डिस्काउंट करेगी. इट इज अ रिटन अग्रीमेंट एक्नोलेजिंग द अमाउंट ऑफ मनी टू बी पेड अगेंस्ट द गुड्स परचेज एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर. दिस अमाउंट कैन ऑल्सो बी क्लियर बिफोर द कोटेड टाइम थ्रू डिस्काउंटिंग मेथड ऑफ कमर्शियल बैंक. नाउ ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, इट इज एन
एडवांस गिवन टू अ कस्टमर बाय कीपिंग द करंट अकाउंट टू ओवरड्रॉ अप टू द गिवन लिमिट। तो ओवरड्राफ्ट एक तरीके का एडवांस होता है जो करंट अकाउंट होल्डर्स को मिलता है। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, द बैंक ऑफर्स यू विद द फैसिलिटी ऑफ सेलिंग एंड बाइंग द सिक्योरिटी। जैसे अब आप SBI में अगर अकाउंट खुलवाएं तो आपको साथ के साथ वो एक सेबी कैप सिक्योरिटीज करके एक वो अकाउंट खोल देते हैं, जिसके अंदर SBI कैप का करके कुछ डीमैट अकाउंट खोल देते हैं जिसके अंदर आप सिक्योरिटीज में ट्रेड कर सकते हैं। एंड एट टाइम्स इट इज कॉम्प्लीमेंट्री कभी कभी, और कभी कभी आपको पूरा पूरा समझाया जाता है कि आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए, फिर आप सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं, उसका आपको साल का इतना इतना रुपये एनुअल फीस बनेगा, लाइक दैट। नाउ लॉक ऑफ फैसिलिटीज, अब लॉक ऑफ फैसिलिटीज से कौन वाकिफ नहीं है, तो बैंक जो है वो लॉक ऑफ फैसिलिटी भी देती है अपने कस्टमर्स को ताकि वो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स या बिलोंगिंग्स जो है वो बैंक में सेफली रख सके, और उसके लिए एक मिनिमम एनुअल फीस चार्ज करती है वो। पेइंग एंड गैदरिंग द क्रेडिट, इट यूजेस डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स लाइक अ प्रोमिसरी नोट, चेक्स एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज टू लाइक पे द क्रेडिट एंड गैदर द क्रेडिट। नाउ कमिंग टू रीजनल रूरल बैंक्स, ग्रामीण बैंक की बात है, RRBs, these are special type of commercial banks that provide concessional credit to agriculture and rural sector. अब ये अलग क्यों है, क्योंकि ये concessional credit देती है agriculture और rural sector को, क्योंकि इसका नाम ही है regional rural bank, इस पर बहुत कम rates पे आपको loan मिल जाते हैं, बहुत concessional rates पे आपको loan मिल जाते हैं। RRB was established in 1975 and are registered under regional rural bank act 1976. So RRBs are joint venture between central government 50% share, state government 15% share and a commercial bank 35% share. तो ये सब मिल करके जो है ये joint venture होता है RRB, और one RRB cannot open its branches in more than 3 geographically connected districts. तो जो भी geographically connected अगर 3 districts हैं तो एक RRB उसमें ज़्यादा branches नहीं खोल सकते, ठीक है। Now let us understand what is NBFC or non-banking finance companies. So non-banking finance company मतलब से क्या समझ आ रहा है? ऐसी कंपनी एक तो जो बैंक नहीं है, ठीक है, और दूसरा वो financial company है, मतलब लोन देती है, एडवांस देती है, फाइनेंस करती है, ठीक है। तो financial institutions that provide banking services without meeting the legal definition of a bank, that is one that does not hold a banking license. तो NBFCs के पास banking का license नहीं होता। RBI is interested with the responsibility of regulating and supervising some of the NBFCs by virtue of powers vested under the RBI Act 1934. Now, NBFC जो है वो एक कंपनी होती है जो registered होती है Companies Act 1956 में, और उसका business क्या होता है? Loans and advances देने का, acquisition का, shares, stocks, bonds, debentures, securities, etc. जो government issue करती है या local authority issue करती है या other marketable securities जैसे कि hire purchase, insurance business, chit business, तो ये सारी चीजों का जो है NBFC काम करती है। लेकिन NBFC में क्या include नहीं होता? ऐसी कोई भी इंस्टीट्यूशन जिसका जो प्रिंसिपल बिजनेस है दैट इज ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटी, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी या परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, मतलब किसी भी गुड्स का सेल और परचेज जो कि सिक्योरिटीज नहीं है, अदर देन सिक्योरिटीज, मतलब अगर आप बॉन्ड्स का सेल एंड परचेज कर रहे हैं, शेयर्स का सेल एंड परचेज कर रहे हैं, वो तो NBFC का काम है। लेकिन अगर आप किसी और गुड्स का परचेज या सेल कर रहे हैं देन इट विल बी नॉट बी इंक्लूडेड इन एन NBFC, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विस या सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। Now sources of NBFC funding includes from clients via insurance, mutual funds, etc. Bank से borrow कर सकते हैं, can be financed by NHB, which is National Housing Board, NABARD, SIDBI, etc. Can raise money via issuing bonds, very few external commercial borrowings. Now features that make banks different from NBFCs, या NBFC जो है वो कैसे different है bank से? एक तो NBFCs जो है lend कर सकती है and make investment and hence their activities are akin to that of banks. They are similar to banks but first of all they do not have banking license and they cannot accept any demand deposits. ये इसके features भी में आता है NBFCs के. NBFCs do not form part of the payments and settlement system and cannot issue checks drawn on itself. ये अपने कोई भी checks नहीं issue कर सकते. Deposit insurance facility of deposit insurance and credit guarantee cooperation is not available to the depositors of NBFCs unlike in the case of bank. और इसमें जो है CRR भी apply नहीं होता, और 15% SLR maintain करना होता है, और वो भी सिर्फ उन NBFCs को जो deposit taking NBFCs होते हैं। Now
एक तो सबसे पहले बैंक के पास लाइसेंस होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर, और एनबीएफसी के पास जो लाइसेंस होता है वो कंपनीज एक्ट के अंदर आता है। बैंक्स जो है वो आरबीआई सुपरवाइज करता है, और एनबीएफसी को इंश्योरेंस कंपनी को आईआरडीए, मर्चेंट बैंक्स को सेबी, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज को स्टेट प्लस आरबीआई प्लस नाबार्ड। नाउ बैंक्स जो है वो पब्लिक से टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, डिमांड डिपॉजिट्स भी ले सकते हैं, और एनबीएफसी जो हैं दे कैन एक्सेप्ट टाइम डिपॉजिट सच एज एनबीएफसी जो टाइम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लेते हैं उन्हें डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी कहा जाता है, बट दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, जैसे कि मैंने अभी पिछले में ही बताया कि वो अपने चेक्स नहीं इशू कर सकते। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट आर द रीसेंट चेंजेस इन एनबीएफसी। जो अभी आरबीआई ने कुछ चेंजेस बताए हैं कि जो एनबीएफसी के अंडर थ्री कैटेगरीज है, एसेट फाइनेंस कंपनीज, इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी। एसेट फाइनेंस कंपनी वो कंपनी है विच इज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फोकसिंग ऑन फाइनेंसिंग ऑफ फिजिकल एसेट सपोर्टिंग प्रोडक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटी सच एज ऑटोमोबाइल्स, ट्रैक्टर्स, जनरेटर सेट्स एटसेट्रा। इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी है? ऐसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिनका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज का। लोन कंपनी, लोन कंपनी any company which is a financial institution carrying on as its principal business क्या है उसका? finance provide करने का, चाहे loans देके, चाहे advances देके, या कोई other activity जो वो करती हो, but does not include an asset finance company। now ये तीनों categories को combine करके, merge करके एक category बनाने की planning है, that is NBFC investment and credit company। yes, moving to insurance sector or IR or DA, who can make laws under insurance sector? Only the union government can make laws on insurance, and no, the state governments cannot make any laws on the insurance। now IRDA jo hai insurance regulatory and development authority, ise create kiya gaya tha recommendation of malhotra committee report ke hisab se, aur ye apex body aur ek autonomous body hai, theek hai, jo insurance sector mein kaam karti hai। it was created on the recommendation of malhotra committee report that I already said, started in 2000। it is a statutory body that is made through an act of parliament which is IRDA act 1999। 2001 से पहले, मतलब before 2001, its headquarter was in New Delhi and currently its headquarter is in Telangana, Hyderabad। और इसके current chairman जो हैं वो हैं former IAS सुभाष चंद्र खुंटिया, और ये 2018 से इसके chairman हैं। Who regulates insurance services in India? IRDA और IRDAI। कमिंग टू व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ IRDA, तो IRDA के फंक्शंस क्या है? इशू करना और रेगुलेट करना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स टू इंश्योरेंस कंपनीज। तो सिंपल वर्ड्स में, अगर मेरे को इंश्योरेंस कंपनी खोलनी है तो मुझे जो रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी वो IRDA के अंडर करानी पड़ेगी, और वो जब मुझे सर्टिफिकेट देगी तभी मैं इंश्योरेंस कंपनी खोल सकती हूँ। रेगुलेट्स द इंडस्ट्रीज एंड प्रोटेक्ट्स द कस्टमर्स, ये IRDA का एक फंक्शन है कि इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट किया जाए, उसके जो कस्टमर्स है उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए, और इंडस्ट्री में क्या रूल्स एंड रेगुलेशन होगी वो रेगुलेट किया जाए। IRDA के पास पावर है कि वो रेगुलेट के फ्रेम कर सके कोई इंश्योरेंस मार्केट के हिसाब से, जैसे कि सेबी चेक करता है कैपिटल मार्केट्स के लिए। नाउ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या होता है IRDA का? इट इज अ 10 मेंबर बॉडी, वन चेयरमैन फॉर 5 years, 5 होल टाइम मेंबर्स एंड 4 पार्ट टाइम मेंबर्स, एंड ऑल ऑफ देम आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल यू गाइस। And thank you so much for attending this session. Let us end this class on the 5 reminders for today. That is that you are enough, your dreams matter, miracles are natural, authenticity is magnetic. You've totally got this. Till then, happy learning.